इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बार एसोसिएशन के सभागार में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। लोक अदालत में विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया गया, 19 बेंचों का गठन किया गया। एडीजे कुलदीप शर्मा ने बताया कि समय समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसमें आपसी रजामंदी से प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है। उन्होंने बताया कि आज होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में उदयपुर जिले के करीब 20,000 प्रकरणों को रखा गया है, जिसमें कई प्रकार के मामले हैं और उनको आपसी समझाइश और अन्य तरीकों से निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत लगाई जा रही है जिसमें जिला मुख्यालय पर 7 बेंचों का और बाहर करीबन 12 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें करीबन जिले के 20,000 लंबित प्रकरण और 20,000 के लगभग प्रीडिकेशन के केस लगाए गए हैं। और आज उम्मीद है कि हम अधिक से अधिक केसों का निस्तारण करेंगे। इसमें NI एक्ट के फैमिली डिस्प्यूट, MACT के डिस्प्यूट और क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस और सिविल केस, कॉमर्शियल कोर्ट के केस, MB एक्ट के केस आदि रखे गए हैं। उन केसों के निस्तारण के लिए पक्षकारों की समझाइश करके राजीनामे से निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है। हर इंसान का सपना घर हो अपना, वो भी मात्र 21 लाख में। शहर के पास शांत वातावरण में उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है गोकुल धाम सोसाइटी। उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर डबोक में मकान ही मकान, और मकान की ये टाउनशिप जिसमें आप पाएंगे 1100 वर्ग फीट प्लॉट में 2 BHK रूम के साथ किचन और अटैच लेट बाथ, कार पार्किंग, बोरवेल, सभी सुविधाएं एक साथ आबादी के मध्य। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं गणेश चतुर्थी और नवरात्रि में मकान और पाएं खुद का आशियाना। पहले आए पहले पाएं। हमारी मुख्य विशेषताएं, उदयपुर एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित आवासीय मकान योजना, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी सुविधाओं के साथ प्लानिंग के नजदीक 40 फीट रोड पर मकान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोर्ट डामरीकरण के साथ SDO कन्वर्ट मकान। हमारा ऑफिस का पता है 212 दूसरी मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स कृषि उपज मंडी मुख्य द्वार के सामने रेती स्टैंड उदयपुर। मकान के लिए संपर्क करें 8619007692, 8058448805।